नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश और प्रदेश में खाद की किल्लत की। गेहूं, सरसों और आलू की बुआई के मुख्य सीजन में राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में किसान डीएपी और एनपीके जैसे रासायनिक उर्वरकों के लिए खासा परेशान है। पिछले करीब डेढ़ महीने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जैसे तमाम ये राज्य हैं, यहाँ पर किसान खाद को लेकर भटक रहा है। अक्टूबर महीने में यूपी में दो तो मध्य प्रदेश में एक किसान ने आत्महत्या भी कर ली थी। डीएपी एनपी के लिए कई जगहों पर हंगामा भी हो चुका है, लाठीचार्ज हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। किसानों के मुताबिक वो 1200 वाली जो डीएपी की खाद है वो 1500 में, तो वहीं 1475 वाली एनपीके 1800 से 2000 रुपए तक में खरीदने को बेहद मजबूर हो चुके हैं। यहां तक कि कई किसानों ने बिना खाद के बुवाई तक कर दी है। राजस्थान में कई जिलों में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके चलते अब राज्य में पुलिस सुरक्षा के बीच डीएपी बांटा जा रहा है। दरअसल सरकार समय पर खाद की आपूर्ति का ऑर्डर जारी नहीं कर पाई और इसी वजह से किसानों के बीच खाद की मारामारी मची हुई है। किसान खाद वितरण केंद्रों पर लगातार चक्कर काट रहे हैं। सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहने के बाद भी सिर्फ 8 से 10 कट्टे ही खाद मिल पा रहा है, जबकि डिमांड 40 से 50 कट्टों की है। वैसे किसानों की माने तो इस समय उन्हें बुआई के लिए डीएपी जरूरी है, जो नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ही उठते हैं कि आखिर प्रदेश में क्यों हुई है खाद की किल्लत? क्या बारिश में डिमांड बढ़ जाने से खाद का कोटा हुआ है, या फिर खाद की किल्लत के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या जो मिसमैनेजमेंट चला रहा है उसका नुकसान किसान उठा रहे हैं? आज की हमारी बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जयपुर के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे इस मुद्दे को लेकर सवाल होंगे, उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सभी से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा। खाद की किल्लत के चलते किसान बेहद परेशान हैं। राजस्थान में अब ये जो खाद का संकट है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, नया पदभार आपको आज मिला है और उसके लिए बहुत शुभकामनाएं भी। शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। स्वर्णिम जी, किसान आंदोलन के दौरान हमने जो तस्वीर देखी है, किसानों के साथ कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी होती हुई नजर आई है, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जब वो आंदोलनरत रहे। ऐसे में जब आप ही के प्रदेश में किसान परेशान हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? नहीं रंजना जी, मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की बात नहीं है, जो कि ये जो किल्लत है ये देशव्यापी किल्लत है, क्योंकि इसमें जो खाद की जो दी जाती है, ये कहना चाहिए अलॉट किया जाता है, ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये सभी राज्यों में किल्लत है और सभी राज्यों में इसलिए किल्लत है कि हमारे यहाँ पे जितनी आवश्यकता है उसका 30% जो कहना चाहिए 30% तो जो खाद है वो आयात की जाती है, और महंगी होने के कारण और अन्य जो देश हैं जहाँ से ये आयात होती है वहाँ पे विभिन्न तरह के संकट होने के कारण ये आयात नहीं हो सकी। और अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, केंद्र सरकार ने ये बयान भी जारी किया है कि विभिन्न देशों से बात की जा रही है जहाँ पे ये उपलब्ध हो सकती है, जिनमें चाइना भी है, इंडोनेशिया भी है, इन सब जगह पे ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपूर्ति कराई जा सके। तो निश्चित रूप से अगर देश में आपूर्ति होती है तो प्रदेश को भी मिलेगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि मिसमैनेजमेंट नहीं होगा केंद्र के द्वारा, और निश्चित रूप से जल्द ही निर्णय लेकर के इसकी जो आपूर्ति बाधित हुई है, जो आयात न कर पाने के कारण समय पर। चतुर्वेदी जी, क्या लगता है कि सिर्फ भरपूर मात्रा में आयात न हो पाने की वजह से ही इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या कालाबाजारी इसका बड़ा कारण नहीं, क्योंकि कई खबरें और तस्वीरें कालाबाजारी जो खाद की होती रही उसको लेकर भी लगातार सामने आई हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कालाबाजारी को लेकर के जो खबर आ रही है वो आ रही है हरियाणा और दिल्ली के जो एडजॉइनिंग एरिया है वहां से, और निश्चित रूप से क्योंकि एक तिहाई मैंने बताया आपको जो खाद की आपूर्ति है वो इंपोर्ट करके होती है, दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है, वो समय पे नहीं खरीदी गई। और जो कालाबाजारी है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल जो है केंद्र सरकार के पास है, अब कालाबाजारियों तक ये खाद कैसे पहुंची ये जांच का विषय है। इसको केंद्र सरकार को निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए और रोकथाम करनी चाहिए कि किस चैनल से ये लीक हो रहा है,
जो स्टेट्स को जाना चाहिए था वो काला बाजारियों तक क्यों पहुंचा, क्योंकि ये पूरे देश में समस्या आई है। आप देखें दिल्ली के एडजॉइनिंग जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे तो झड़पें हुई हैं, मतलब मारपीट इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकर के कुछ जो कहना चाहिए जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया किसानों ने। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसानों तक ना पहुँच करके, स्टेट्स की गवर्नमेंट्स तक ना पहुँच करके ये काला बाजारियों तक क्यों पहुँची। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है बल्कि केंद्र की सरकार को ये समझना होगा कि ये जो चेन है ये कहां से बनी चली आ रही है और कहां पर इसको ब्रेक करने की जरूरत है। ओपी यादव जी, कई क्षेत्रों में आपकी भी सरकारें हैं और उन क्षेत्रों से भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को सामने आ रही है जहां पर देश का अन्नदाता परेशान हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि रिपील कर रहे हैं, लेकिन ये जो खाद की समस्या है इस पर क्या किया जाएगा, वजह आपको क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्या समझ रहे हैं आप इससे कि क्या वजह है कि खाद की भारी किल्लत हो रही है? देखिए रंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मेरी प्रदेश की जनता को जी, मैं आवश्यक जो वस्तुएं जैसे खाद है, बिजली है, अन्य जो बीज है जी, या पेस्टिसाइड्स हैं, किसान को जब भी समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वहाँ की जिले जो राज्य सरकार है उसकी होती है। हम यूं कहकर के पीछा नहीं छोड़ा सकते कि केंद्र से मिसमैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट तो राजस्थान गवर्नमेंट का रहा, इन्होंने समय पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया जिसके कारण से आपूर्ति आने में देरी हुई और जहाँ पे का आपूर्ति आ गई वहाँ पे कालाबाजारी की भेंट चढ़ गई। लेकिन बीजेपी शासित राज्य भी तो इस लिस्ट में शुमार है सर, मेरे बार बीजेपी शासित राज्य भी तो इस लिस्ट में शुमार है, वहां आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। फिर एक इसका विकल्प है जिसको राज्य सरकार को किसानों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, इसका एक विकल्प है। यदि डीएपी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी और यूरिया को मिला करके उस विकल्प को चुना जा सकता तो है। आपके राज्यों में उतना ही असर है जितना डीएपी में है उतना ही आपके राज्यों में, यादव जी आपके राज्यों में अपनाया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने किसानों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन किसान के आत्महत्याओं की अगर खबर सामने आ रही है तो इन्हीं दो राज्यों से सामने आ रही है, सुपर फास्फेट फिर आपके उपाय का फायदा तो होता हुआ सर नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसान ने आत्महत्या कर ली, उत्तर प्रदेश में दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है जितनी डीएपी की। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक बहुत अच्छा सुझाव है, वाकई में फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मैं किसान नहीं हूं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। इसको आत्महत्या से नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल जोड़ेंगे सर, किसी की जिंदगी जा रही है इसकी वजह से तो बिल्कुल जोड़ा जाएगा, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा वजह? अगर कोई इंसान खाद की किल्लत से मर रहा है हमारे देश में, अन्नदाता खाद की किल्लत से मर जाएगा, बिल्कुल सवाल उठेगा सर, बिल्कुल जोड़ के देखा जाएगा। अब आप मेरी तो सुनी नहीं रहे। नहीं मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आपके पास जो उपाय है, बोले जा रहा हूँ जनता, नहीं नहीं सर मैं बिल्कुल बोलने का मौका दूंगी, छोटा सा मेरी बात सुन लीजिए ना। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास इसका विकल्प है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास इसका विकल्प है, एसएसपी और यूरिया को आप यदि मिला के देंगे तो डीएपी का ही काम करेगा, लेकिन ये किसान को समझाए कौन ये बात? किसान के दिमाग में तो एक ही चीज बैठी हुई कि मुझे डीएपी डालना है। ये समझाने का जो काम है वो राज्य की सरकारों का है। अब ये ठीक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डीएपी बनने में जो हमें केमिकल और की जरूरत पड़ती है वो हम विदेशों पर निर्भर है, क्योंकि हमारे देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई कि हमारे देश में ही उन चीजों का उत्पादन शुरू हो सके। अभी आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी सपना देख रहे हैं उसके अंतर्गत काफी सारी चीजों को हम हमारे देश के अंदर पैदा करना शुरू किए हैं, और ये साल दो साल बाद में आप देखना ये भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आज हम विदेशों के ऊपर निर्भर है हमारा खाद बनाने के लिए, हमारे देश के अंदर उत्पादन होता है। तब तक हमारे कितने किसान जान गवा बैठे होंगे, प्रदेशों को भी समझ रहा होगा, तब तक हमारे कितने किसान जान गवा बैठे होंगे, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, तब तक हमारे कितने किसान जान गवा बैठे होंगे, किसान को समझाने में कितने कामयाब हुई सरकार या सरकारी मशीनरी, उस चीज का कितना प्रचार प्रसार कर पाई, कितना किसान को समझा पाई, मुझे सिर्फ सर ये बता दीजिए। देखिए आइडिया जो ये बात हरियाणा और राजस्थान के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हरियाणा की बात कर
ना राजस्थान की, ना मध्य प्रदेश की, ना कर्नाटक की, ये बात हमारे देश की है और देश के अन्नदाता की है। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ। सुनिए ना सर, अभी आपने बोला क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ जो यूरिया का कॉम्बिनेशन आप बता रही हूँ कितना कारगर साबित होगा, लेकिन जो किसान होंगे शायद वो समझ पाएंगे। लेकिन क्या इसको आप अपना लूप होल नहीं मानते कि आप अब तक नहीं समझा पाए अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को? अन्य राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो है। नहीं ऐसे तो आप जिम्मेदारी से पलड़ा थोड़ी ना झाड़ लेंगे, जिम्मेदारी से पलड़ा थोड़ी ना झाड़ लेंगे सर आप। मध्य प्रदेश में जहाँ पर किसान ने आत्महत्या की है, वहाँ आपकी सरकार है। नहीं नहीं, ये तो मैं चतुर्वेदी जी से मैंने शुरुआत इसी चीज से की कि जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर इनकी सरकार है तो मैं इनकी जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ तो जिम्मेदारी लीजिए ना, ये बोल के थोड़ी ना आप पड़ला जाल लीजिएगा कि यहाँ हमारी सरकार नहीं है। विपक्ष में आप बैठे हैं, क्या जनता के हितैषी नहीं है आप? चलिए ये बता दीजिए, जनता या किसान के हितैषी नहीं है आप? रंजना जी आप सुन तो लो। नहीं आप गलत सर स्टेटमेंट पास कर रहे हैं ना, गलत स्टेटमेंट। चतुर्वेदी जी चलिए ठीक है, आप थोड़ा सोच लीजिए, गलत स्टेटमेंट पास कर रहे हैं आप। ये बोल रहे हैं कि सरकार नहीं है, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हो, सरकार में क्यों आना चाहते हो? आप हितैषी नहीं है किसान और जनता के? दायित्व बनता था, हमारा फर्ज बनता था। नहीं सर ये नहीं कह सकते ना, ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा सर, बहुत इनसेंसिटिव, बहुत इनसेंसिटिव। ये हमारे पास फॉर्मूला जब हमने काम में लिया है तभी तो हम समझा रहे हैं भाई। हमने जब इस काम को, इस कॉम्बिनेशन को हमने काम में लिया एसएसपी और यूरिया को, तभी तो हम समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, उन जिला अध्यक्षों ने स्वयं की खेती के अंदर इस चीज को उपयोग किया है। मैं तो सर अप्रिशिएट कर रहा हूं, किसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा विकल्प है। ठीक है सर, बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, एक पत्रकार होने के नाते जो अच्छा आप करेंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत करेंगे या फिर जो ठीक नहीं होगा उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो आप उसको समझिए। जब आपने ये सुझाव दिया, मैंने कहा कि ये बहुत अप्रिशिएबल सुझाव है, बहुत अच्छा सलूशन हो सकता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम नहीं समझा रहे राजस्थान में या हमारी सरकार थोड़ी ना है, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, आप सरकार में क्यों आना चाहते हैं जब आप जनता के हितैषी नहीं है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं मैंने अभी उसके बाद में क्या बोला वो भी सुन लीजिए। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आपने बोला, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आपने बोला, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर आपने बोला, इतना बस मैं यही जानना चाह रही थी। यही खूबसूरती होनी चाहिए एक राजनेता की, यही खूबसूरती होनी चाहिए कि अगर आप गलती से आपके जहन से कुछ निकल जाए तो एक्सेप्ट कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, सरकार की ऑनेस्टी का सवाल है। चतुर्वेदी जी जैसा कि यादव जी कह रहे हैं कि कई सोल्यूशन इनके पास भी, हालांकि नाकामयाब ये भी अपने राज्यों में रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसे कोई अल्टरनेटिव है? क्योंकि अगर किसी चीज की कमी है और आपके हाथ में नहीं है उस कमी को पूरा करना, तो कम से कम राज्य सरकार होने के नाते जो क्षेत्र का प्रदेश का किसान है उसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है। कई वादे करके आप सरकार में आए हैं, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई रोड मैप है इसको लेकर? देखिए निश्चित रूप से हम लोग जहाँ जहाँ भी एक्सेसिव, जहाँ पे खाद है, जिस भी स्टेट में है, उन सब वहाँ से संपर्क में हैं, और सरकार भी, राज्य सरकार भी इसकी आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है जी। और हम लोगों लगातार संपर्क में है, क्योंकि अभी आप देखें कि जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कमी आती है वहाँ हमने सप्लाई की है, और इसका कोई होर्डिंग ना करे, इसको कोई ब्लैक मार्केटियर जो है इसकी कहना चाहिए स्टॉक नहीं रखे अपने पास, इसके लिए हमने कार्रवाई लगातार हमारी जारी है। और देखिए जो जिम्मेदारी केंद्र की है राज्यों को उपलब्ध कराना, तो केंद्र की है। अब राज्य तो यहाँ पे बनाते नहीं है, राज्य इंपोर्ट करते नहीं है, केंद्र सरकार ने दायित्व लिया हुआ है वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे राज्य में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर सब डिस्ट्रिक्ट्स में मिले, जहाँ पहले जरूरत है, जहाँ पहले बुआई होगी वहाँ पे खाद पहुँच रही है, और जहाँ बाद में होगी वहाँ उस जो अगली आपूर्ति आएगी तब पहुँचाएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि फलाना कॉम्बिनेशन मिला लो कर लो, ऐसी कोई गाइडलाइन केंद्र द्वारा या किसी भी कहना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कहीं जारी नहीं हुई है, ये सरासर गलत और झूठ है। इस तरह की अगर गाइडलाइन केंद्र जारी करे तो वो ये जो खाद बता रहे हैं या सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको ही भेज देना राज्यों को, ये लिख करके कि इससे काम हो जाएगा। नहीं, यही सवाल मैंने भी लेने की कोशिश की जिसका जवाब मिला नहीं चतुर्वेदी जी, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, केंद्र ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, ठीक है उसपे कहना चाहते हैं कुछ यादव जी आपका रुख करूंगी, लेकिन ठीक है आपका रुख करूंगी। पहले चतुर्वेदी जी एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिक्र आपने कालाबाजारी का किया, आपने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग रुकनी चाहिए, लेकिन कौन रुकेगा? ये भी तो आप ही के अधिकार क्षेत्र में है ना कि किस तरीके से प्रशासन को आप इसमें लेकर संलिप्त करें, और प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा है कानून बनाने के बावजूद भी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
देखिए बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमने ये ट्रक्स जो हैं हरियाणा से, यूपी बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर से जो एंटर किए हैं, हमने पकड़े, जब तो पता पड़ा कि कालाबाजारी हो रही है। लेकिन हमारे स्टेट में चूंकि खेती बहुत ज्यादा नहीं होती है तो हमारे यहाँ स्टॉक नहीं लगता इसका, हमारे यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हो, जिन स्टेट से आ रहे हैं उन स्टेट्स को ये देखना चाहिए कि चलिए हमें तो मिलेंगे, जब मिलेंगे उनके स्टेट के किसानों का तो हक मारा जा रहा है ना। चाहे मध्य प्रदेश हो, झालावाड़ से घुस रहे हैं, मथुरा की होकर के, भरतपुर होकर के आ रहे हैं ट्रक, दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा के मतलब ये कोटपुतली से होकर के गुजरे हैं, इनको पकड़ा है तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निश्चित रूप से जितने ट्रक आएंगे पकड़ेंगे और पकड़ के हमारे किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे। ये तो एक पार्ट हो गया कि आप धरपकड़ को तेज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इस मुहिम को और भी तेज आपको आगे करना होगा। लेकिन क्या इस आंकड़े के बारे में आपको पता है कि जो 1200 की डीएपी खाद है वो किसान 1500 में खरीद रहे हैं, एनपीके खाद जो 1475 की है वो 1800 से 2000 रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट हमने देखी है, केंद्र सरकार के भी संज्ञान में और राज्य सरकार के भी संज्ञान में। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार को जहां लीकेज है वो रोकना चाहिए और समस्त जो देश के राज्य हैं वो उनकी पुलिस को कार्रवाई करते हुए जहां भी स्टॉक पकड़ा जाए वहां पे उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए और स्टॉक पकड़ने के लिए निकलना चाहिए ताकि किसानों का भला हो। राजस्थान में सीमावर्ती जिले हैं जितने भी, वहां पे पुलिस सजग है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां स्टॉक मिलेगा हम उसको पकड़ रहे हैं, हम एंट्री नहीं हो रही है वो एरिया में जो है ट्रक्स पकड़ रहे हैं। लेकिन इसकी लीकेज रोकी जाए सबसे बड़ी बात यह है, और इसको लीकेज रोक करके राज्यों को अगर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन से अफसर किस विभाग के इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति में जब किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी बुआई हो रही है, इसके बाद इसकी खाद की, इस खाद की जरूरत उतनी नहीं रह जाएगी, अगर आज नहीं देंगे तो हमारा किसान अन्नदाता जो पहले से ही परेशान है उसको और परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए जब तक आपूर्ति नहीं हो तब तक जो हमारे पास उपलब्ध स्टॉक है केंद्र सरकार उसको सही तरीके से सभी राज्यों को सौंपे और बताए कि आज हमारे पास कितना स्टॉक है, ये घोषणा तो कम से कम वो करें। ठीक है, ओपी यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, सर बोलिए। अभी आप भी कह रहे थे और स्वर्णिम जी भी कह रहे थे कि सर हमने तो कोई ऐसी एडवाइजरी या गाइडलाइन पढ़ी नहीं, आपने रोज एड नहीं देखते हो क्या, टेलीविजन के अंदर आता है, रेडियो के अंदर आता है कि आपकी डीएपी का जो विकल्प है वो सिंगल सुपरफास्टेट एसएसपी प्लस यूरिया है, क्योंकि वही कंटेंट उस डीएपी में है डाई अमोनियम फास्फेट, और वही सिंगल सुपरफास्फेट में है, और वो यूरिया के अंदर है अमोनिया, और वो डीएपी के अंदर है, उसका मिक्सर केवल करना है, उसमें मिक्सिंग आता है, इसमें अलग अलग आते हैं बैग, लेकिन यूरिया बिकता नहीं है कि बाजार में आपने देखा ही नहीं यूरिया, इसका मतलब आप किसान ही जानते नहीं हो। लेकिन सर अच्छी बात है कि इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता है और ये कैसे काम कर रहा है ये भी आपको पता है। बड़े ऐड आ रहे हैं, बड़े ऐड आ रहे हैं, टेलीविजन के अंदर ऐड आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसके पीछे का लॉजिक आप समझते हैं कि किस तरीके से किसानों को ये फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन ये किसानों को फायदा पहुंचा इसके लिए आपने क्या किया? स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि लीकेज रोके, लीकेज रोके राज्य की सरकार, केंद्र सरकार की लीकेज रोकने आएगी क्या? अभी आपने वहाँ 12 के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष का कल फोन आया था, अच्छी भली 4 दुकानें चलती हुई जिनके ऊपर खाद का पूरा स्टॉक, और उसको कलेक्टर ने सीज कर दिया, बताइए, और वो जयपुर तक चक्कर लगा गया। कल हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जब फोन किया मेरे को, मैंने बिड़ला जी को फोन कर करके उनको अवगत कराया कि आप उन दुकानों का लाइसेंस की जानकारी लीजिए, किस कारण, उसको कारण भी नहीं बता रहे कि किस कारण से सीज हुई। इस तरह के तो इनकी सरकारें चम रही है, ये अव्यवस्था की शिकार सरकार है शुरू से, जब से सरकार बनी है यहाँ कांग्रेस की, जब से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी हुई है, क्योंकि कभी बिजली का संकट, कभी खाद का संकट, कभी पानी का संकट, और ये ले दे करके केंद्र को। माफ कीजिएगा यादव जी, आपको रोकना चाहोगे, अभी आप कह रहे थे कि काला बाजारी को लेकर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो राज्य सरकार की होनी चाहिए, बार बार आप ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रहे हैं, ये सवाल करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर राज्य सरकार से, मैं पूछ रही हूँ सवाल, लेकिन जब बात मैं आपके राज्यों की करती हूँ तो आप बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं। देश में थोड़ी हो रही नहीं, मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ हाल ही में 3 दिन पहले टांडा से मामला सामने आया है,
जहां पर जिस यूरिया को आप कह रहे हैं कि इसको अल्टरनेटिव के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उस यूरिया को भी यहां पर कालाबाजारी उसकी हो रही है, तो वो अल्टरनेटिव भी खत्म होता जा रहा है आपके राज्य में। राजस्थान प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आप राज्य सरकार की जिम्मेदारी की करते हैं, सुनिए ना सर, राज्य सरकार की जिम्मेदारी की जब भी आप बात करेंगे तो आपके आपके सरकार पर भी तो सवाल खड़ा होगा ना। क्यों चले जाते हो ये हरियाणा में, क्यों चले जाते? मैं ये कहता हूँ अव्यवस्था की शिकार। बहुत हास्यास्पद है सर, बहुत हास्यास्पद है कि आप बड़ी आसानी से अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं, ये कहकर कि हरियाणा क्यों चले जाते हो, मध्य प्रदेश क्यों चले जाते हो। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर सकती हूँ, मैं हरियाणा की भी कर सकती हूँ, मैं पूरे देश की कर सकती हूँ, मेरे लिए पूरा देश बराबर है। अगर आप देख रहे हैं कि हरियाणा में मेरी सरकार है तो वहां पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच जाऊंगा और राजस्थान सरकार पर ठीकरा फोड़ दूंगा, तो एक अच्छे राजनेता की क्वालिटी नहीं है। देख करके वितरण नहीं होता है, खाद तो सेम है पूरे देश के अंदर। मैं वितरण पर बात ही नहीं कर रही हूँ, जो पॉइंट आप बोल रहे हैं उसी को बोल रही हूँ। आपने जब सुझाव की बात की तो मैंने पूछा क्या आपके राज्य में सुझाव है, जब आपने किसानों की परेशानी की बात की मैंने पूछा कि क्या आपके राज्यों में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे, अब जब काला बाजारी पर कार्रवाई को लेकर आप सवाल राज्य सरकार पर खड़ा कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी खड़ा कर चुकी हूं, तो मैं आपके राज्य का जिक्र कर रही हूं और आप मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान की ही सिर्फ बात करेंगे, तो आपके पार्टी की विचारधारा क्या सिर्फ यही है कि जिस राज्य में आप बैठे हैं और उसी राज्य के बारे में आप बात करेंगे? नहीं, बहुत ही हास्यास्पद बयान इस बार इस मंच से आप दे रहे हैं, माफ कीजिएगा मेरी भाषा के लिए, मैं आपसे माफी पहले मांग रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का बयान आप दे रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है सर, बिल्कुल सही नहीं है। जिम्मेदारी को समझना होगा, आपकी सरकारें अन्य राज्यों में भी हैं, देश का किसान, हम एट द एंड ऑफ द डे हम हिंदुस्तानी है सर, क्या आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते? राजस्थान में आपकी राजनीति सक्रिय है तो क्या आप राजस्थानी हुए? हिंदुस्तानी नहीं मानने और मानने का कोई अर्थ फिर नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना सर, बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं। स्वर्णिम जी राजस्थान के पदाधिकारी है, मैं उनसे सवाल ले रही हूँ ना, पदाधिकारी हूँ तो राजस्थान की चिंता करूंगा, नहीं मैं बिल्कुल उनसे सवाल ले रही हूँ, लेकिन जब मैं आपसे सवाल ले रही हूँ तो आप कितने जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी उनके राज्यों में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर आप कितने जिम्मेदार हैं, आपके बयानों से साफ हो रहा है। फिलहाल समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ओपी यादव जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरीके से मुद्दा जितना बड़ा है उतने ही बड़े इस पूरे मामले में सवाल भी उठते खड़े रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही था कि इन दोनों ही नेताओं से क्या राज्य में चल रहा है, राज्य सरकार की तरफ से और विपक्ष के रूप में भी। हालांकि चतुर्वेदी जी ने अपनी तमाम गलतियों को स्वीकारा भी और बोला है कि इस पूरे क्षेत्र में सख्त से सख्त आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ओपी यादव जी अपनी तमाम विपक्ष के तौर पर भी जो कुछ जिम्मेदारियां उनकी बनती उन पर भी पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि समस्या से निजात राज्य सरकार कितनी जल्दी दिला पाती है और मजबूत विपक्ष का यहाँ पर सबूत क्या कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी दे पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल देखने वाला होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।